नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस लेक्चर में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 27 आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपको पेड कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है फॉर ऑल द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, आइदर फॉर योर यूपीएससी या फिर फॉर द स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन, चाहे यूपी हो, एमपी या बिहार। ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, कोई भी इंक्वायरी है फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइनॉरिटीज। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। माइनॉरिटीज आपके कहाँ मेंशन किए गए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28। ठीक है, अंडर पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स। यस, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? ओनली रिलीजियस माइनॉरिटीज। ओनली एक्सट्रीम वर्ड है, तो यहाँ पे आपको गौर करने की जरूरत है, एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है ना, रिलीजियस माइनॉरिटीज को सिर्फ नहीं दिया गया है, साथ में आपके लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी हैं। ठीक है, लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बेसिस पे लिंग्विस्टिक। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका? पार्लियामेंट शुड अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर। यहाँ पे ये भी गलत है, पार्लियामेंट अपॉइंट नहीं करता है, अपॉइंट करते हैं आपके प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट विल अपॉइंट अ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज। ठीक है ना, तो ये भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, पहला भी गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछ रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन डी। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडियन टेरिटरी, यहाँ पे भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। इंडियन टेरिटरी कैन बी सीडेड टू अ फॉरेन स्टेट ओनली बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। सीडेड मतलब क्या होता है? कोई भी इंडियन टेरिटरी का हिस्सा है, इंडियन टेरिटरी मतलब कोई भी इंडिया का जो हिस्सा है उसको किसी फॉरेन स्टेट को देना, जैसा कि हमने अभी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट में किया था इन 2015 विद बांग्लादेश, जहां पे हमने एनक्लेव्स एक्सचेंज किए थे। ठीक है, काइंडली गो एंड रिवाइज दिस इशू। ठीक है, तो ये जब भी आप फॉरेन स्टेट को कोई भी अपना लैंड दोगे तो इट हैज टू बी थ्रू एन अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। सेकंड स्टेटमेंट, सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट विद अनदर कंट्री, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर नहीं होता है किसी भी बाउंड्री डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। थर्ड क्या है? 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है 2015 में लाया गया था फॉर सेसेशन। सेसेशन क्या हुआ? यानी कि जो आप टेरिटरी दे रहे हो टू बांग्लादेश, दिस इज योर लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट। तो तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा करेक्ट है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन बी। ठीक है, तीसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। तीसरा क्या है? तीसरा इज विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच। तो करेक्टली मैच पूछ रहा है आपसे, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट दिया, किस तरीके से इन प्रिंसली स्टेट्स को आपको इंटीग्रेट किया गया है इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस। जूनागढ़, जूनागढ़ को कैसे किया है? बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन, दिस इज रॉन्ग। जूनागढ़ कैसे आया था इंडिया में? जूनागढ़ आया था रेफरेंडम से। ठीक है, हैदराबाद, हैदराबाद वॉज बाय पुलिस एक्शन, तो ये एक्सचेंज क्या है? जूनागढ़ शुड बी सेकंड वाला, यानी कि रेफरेंडम, और हैदराबाद जो है पुलिस एक्शन। जम्मू एंड कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, दिस इज करेक्ट। तो पहला और दूसरा गलत है, तीसरा जो है करेक्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा? करेक्टली मैच पूछ रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या हुआ कि इनका डेट वाइज, ठीक है, सबसे पहला कौन बना और सबसे आखिरी कौन बना, उस ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सिक्किम जो है, ये सिक्किम 1975 में इंडिया का, इंडियन यूनियन का पार्ट बना है। नागालैंड जो है 1963 में, इसको असम में से काट के बनाया गया था नागालैंड। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश जो है 1987 में आया है। ठीक है, इसके पहले यूनियन टेरिटरी था, इसको बाद में स्टेटहुड दिया गया। मेघालय जो है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये 1972 में फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आ गया। तो सबसे पहले होगा नागालैंड, यानी कि टू, ठीक है, टू हो जाएगा, उसके बाद होगा फोर, उसके बाद वन, एंड उसके बाद फाइनली थ्री। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? पांचवा सवाल देखते हैं हम लोग। पांचवा सवाल क्या है? अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, ये चीज आपको गौर करनी है। ठीक है ना, ऑलवेज इस चीज पे गौर कीजिए कि इनकरेक्ट पूछ रहा है करेक्ट, अदरवाइज आपको सवाल आते हुए भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यू हैव टू पे अटेंशन। पहला स्टेटमेंट देख लेते हैं आप, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू लोकसभा इज द राइट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया ओनली, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, यह पहला स्टेटमेंट जो है आपका करेक्ट है। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इन इंडिया ओनली अ सिटीजन बाय बर्थ एंड नॉट अ नेचुरलाइज्ड सिटीजन इज एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। नाउ दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिया में बोथ सिटीजन जो है बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड सिटीजन, दोनों के दोनों, ठीक है ना, ये दोनों जो है ये प्रेसिडेंट का ऑफिस के लिए कंटेस्ट कर सकते हैं, यानी कि एलिजिबल होते हैं। लेकिन यूएसए में, इन यूएसए, थर्ड स्टेटमेंट क्या है? इन यूएसए बोथ अ सिटीजन बाय बर्थ एज वेल एज नेचुरलाइज्ड। ठीक है, तो इंडिया में आपका दोनों जो है ये एलिजिबल होते हैं फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, यूएसए में ओनली बाय बर्थ एंड नॉट नेशनलाइज्ड सिटीजन। ठीक है, और इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? यूएसए में ओबामा जो है, बराक ओबामा, ठीक है, जो आपका पिछला प्रेसिडेंट था वहां का, ओबामा, इसका बर्थर इशू चल रहा था। बर्थर इशू मतलब वहां पे ये था कि इसका जन्म जो है वो यूएसए में नहीं हुआ है बल्कि वो कीनिया, यानी कि यूएसए के बाहर हुआ है, इसलिए ही इज नॉट एलिजिबल फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, इसको कहते हैं बर्थर इशू। ठीक है, एंड ये बर्थर इशू सबसे ज्यादा किसने उठाया था? डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है,
जो आज अभी वहां के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो यहां से आप याद कर सकते हैं क्योंकि बराक ओबामा कीनिया में जन्म लिया था, उसलिए वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता था। ये इशू ट्रंप ने उठाया था, बर्थ इशू कहते हैं इसको, यानी कि यूएसए में ओनली बाय बर्थ जो है वही एलिजिबल होगा फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया आपका, स्टेटमेंट टू रॉन्ग है आपका, स्टेटमेंट तीसरा रॉन्ग है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? छठा सवाल देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन देखिए इनकरेक्टली मैच पूछा है, ठीक है ना, यहाँ पे अगेन आपको गौर करना है इस चीज पे। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, नेशनल इमरजेंसी ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर, आर्टिकल 356, ये गलत दिया है, आर्टिकल 356 नहीं होगा, ये 352 होगा। सेकंड क्या है, स्टेट इमरजेंसी, यानी कि जो फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये किसकी बात हो रही है, प्रेसिडेंट रूल। स्टेट इमरजेंसी मतलब बेसिकली होता क्या है, ये फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट्स, ये होता है प्रेसिडेंट रूल। ये क्या होता है, आर्टिकल 356, तो ये इंटरचेंज कर दिया यहाँ पे। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी आर्टिकल 360 होती है, तो पहला और दूसरा जो है रॉन्गली मैच्ड है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इनकरेक्टली मैच पूछा है। सातवां सवाल देख लेते हैं, सातवां सवाल क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एन एप्ट डेफिनेशन ऑफ प्लेबिसाइट, ठीक है ना, प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट जो है आपका अभी कश्मीर में करवाने की बात करते हैं ये लोग कि प्लेबिसाइट होना चाहिए वहां पे, तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। इट इज अ प्रोसीजर जहां पे आपका प्रपोज लेजिस्लेशन जो है इट इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट, ठीक है, इलेक्टोरेट मतलब जो जो वोट कर सकता है फॉर सेटलमेंट बाय डायरेक्ट वोट्स, ये नहीं होता, ठीक है ना। व्हाट इज दिस, ये होता है आपका रेफरेंडम, ठीक है, जहां पे आप डायरेक्ट वोट करवाते हैं, दिस इज रेफरेंडम। रेफरेंडम कहां करवाया गया था, रेफरेंडम वॉज डन इन ब्रेक्सिट, ठीक है। इट इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच, बी स्टेटमेंट देख रहे हम लोग, इट इज अ मेथड बाय मीन्स ऑफ विच People can propose a bill to the legislature for enactment. ये गलत है, ठीक है ना। Seconds जो है ये आपका देखिए चार प्रकार के आपके direct democracy में होती हैं जो methods आप adopt कर सकते हैं। Second is initiative, first is referendum, तीसरा क्या है आपका, it is a method by means of which the voters can remove a representative. इसको कहते हैं recall. Recall मतलब जो representative प्रतिनिधि आपने चुना है उसको आप recall कर लीजिए office में because वो inefficiently perform कर रहा है, ठीक है, उसके term खत्म होने के पहले। ये USA में प्रैक्टिस किया जाता है। इट इज अ मेथड, लास्ट का, इट इज अ मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग द ओपिनियन ऑफ पीपल ऑन एनी इशू, है ना, इसको कहते हैं हम लोग प्लेबिसाइट। ये प्लेबिसाइट है आपका, तो दिस इज योर डी स्टेटमेंट, यानी कि डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। आठवां सवाल देखते हैं, यहाँ पे अगेन देखिए करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सिटीजनशिप आर्टिकल। सिटीजनशिप के आर्टिकल कहाँ कहाँ दिए हैं, 5 से 11, आर्टिकल नंबर 5 से 11, दिस इज पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऐसे आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 51A तक, ठीक है। 51A क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारे 1 से लेके 51A तक आपको सारे के सारे आर्टिकल्स रटे होने चाहिए, ठीक है। आठवां सवाल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ओनली आइडेंटिफाइज पर्सन्स हू बिकेम सिटीजंस ऑफ इंडिया एट इंडिपेंडेंस, ठीक है, ये चीज गलत है आपकी। इट आइडेंटिफाइज पर्सन जो सिटीजन आपके कमेंसमेंट पे इंडिया में बने थे, कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जनवरी 26, 1950, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद से नहीं बल्कि जब से आपका कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ है वहां से, ठीक है। सेकंड क्या है, एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू एनएक्ट लॉ टू प्रोवाइड फॉर मैटर, ये गलत है, स्टेट लेजिस्लेचर को नहीं दिया गया है, ये दिया गया है पावर पार्लियामेंट को, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, यानी कि नाइदर हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2, ऑप्शन डी। नौवां सवाल देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू फंडामेंटल राइट, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है, फिर से गलत स्टेटमेंट पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो देख लीजिए, फंडामेंटल राइट गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल पर्सन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, करेक्ट, ठीक है, सारे सबके लिए, सारे सिटीजन के लिए ही है। बी क्या है, अपहोल्ड द इक्वालिटी ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स, करेक्ट। फंडामेंटल राइट्स आर मेंट फॉर प्रमोटिंग द आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, ठीक है, ये चीज करेक्ट है। डीपीएसपी क्या प्रमोट करती है आपकी, डीपीएससी प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फंडामेंटल राइट प्रमोट करती है आपकी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। डी क्या है, दे प्रमोट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटेरियन एंड डिस्पोटिक रूल, ये गलत है, डिस्पोटिक मतलब क्या होता है, डिक्टेटरशिप, ठीक है, तो डी स्टेटमेंट गलत है आपका, ऑब्वियस है ये, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी। टेंथ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, टेंथ, ये असर्शन रीजन आ गया आपका, फंडामेंटल राइट्स एम एट एस्टैब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन, ये करेक्ट है, ठीक है, लॉ यानी कि कानून जो है ऊपर होना चाहिए, ना कि आपके जो इंसान है, जो व्यक्ति है वो आपके कानून के ऊपर हो, ठीक है, तो ये करेक्ट है। फर्स्ट रीजन क्या है, फंडामेंटल राइट्स ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टिरनी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये हम पहले भी देख चुके हैं टेस्ट नंबर 26 में। टिरनी, टिरनी मतलब क्या होता है, जो शोषण होता है एग्जीक्यूटिव द्वारा। एग्जीक्यूटिव क्या हो गई आपकी, ये हो गया आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय योर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, और आर्बिट्री लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर, यानी कि लेजिस्लेचर यानी कि जो पार्लियामेंट है इंडिया में वो गलत लॉज कानून बना के आपके अधिकारों को नहीं छीन सकती, तो फंडामेंटल राइट इससे बचाती हैं आपको। तो यहाँ पे रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एंड रीजन आपके असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट जो है कानून की होनी चाहिए, ना कि मनुष्यों की, ठीक है, व्यक्तियों की, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? ग्यारहवां सवाल देखते हैं हम लोग, ग्यारहवां सवाल क्या है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इस चीज पे सबसे पहले गौर किया कीजिए जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ग्यारहवां सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी,
ठीक है, इमरजेंसी के दौरान जो है कौन सा जो फंडामेंटल राइट है उसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है आर्टिकल 21, ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है सस्पेंड हो सकता है नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर राइट्स। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, स्टेटमेंट इस चीज़ को आप याद रख लीजिए, फंडामेंटल राइट्स जो है एक्सेप्ट फॉर आर्टिकल 20 एंड 21, इसके अलावा बाकी जो आर्टिकल्स हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ठीक है, और जो आर्टिकल 19 है आपका, इसके अंदर जो राइट्स हैं, 6 राइट्स होती हैं इसमें, इनको आप सस्पेंड कर सकते हो ओनली व्हेन इमरजेंसी जो है डिक्लेयर किया गया है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर या एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है ना, एक्सटर्नल अग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल 22 जो है इसको आप सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सस्पेंड कर सकते हो जब भी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या आंसर क्या हो जाएगा, 1 एंड 3 ओनली, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, ज्ञान जो 11वां सवाल है आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, सॉरी फॉर दिस। अब 12वां सवाल पे आते हैं हम लोग। 12वां सवाल है आपका, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर डेफिनेशन ऑफ स्टेट एज पर आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 आपका स्टेट डिफाइन करता है, ठीक है, एंड आर्टिकल 12 क्या डिफाइन करता है आपका, आर्टिकल 13 ये डिफाइन करता है लॉ। ठीक है, फॉर द फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर एंड फॉर योर डीपीएसपी एज वेल। ठीक है, तो स्टेट यहाँ पे डिफाइन किया गया आर्टिकल 12 में। इसमें देख लेते हैं, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स, पहला वाला जो है डिफाइंड है, यस। ठीक है, इसके बाद म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, ठीक है, तो ये चीज भी इसमें डिफाइन की गई है। इसके बाद थर्ड क्या है, प्राइवेट बॉडी और एजेंसी विच इज वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, इट फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ स्टेट। ठीक है ना, तो ये चीज भी है, ये भी इसके अंदर फॉल करती है। तो यहाँ पे आपका 1, 2, 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, तो जस्ट रिमेंबर दिस। 13वां सवाल आ जाता है आपका, ठीक है, 13वां सवाल है, अगेन आपको मैच द फॉलोइंग करना है यहाँ पे। ठीक है, प्रोविजन दिया गया है, उसके रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट दी गई है। ठीक है, कौन से फंडामेंटल राइट के अंदर ब्रॉडली आता है ये, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोविजन, ये राइट टू इक्वालिटी, दिस इज करेक्ट। ठीक है, इसके बाद राइट टू एस्टैब्लिश एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये भी करेक्ट है। राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन, राइट टू फ्रीडम के अंदर आता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, ये कौन सा आर्टिकल हो गया, दिस इज 21A, दिस इज योर आर्टिकल 26, एंड दिस इज आर्टिकल अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी कहाँ पे आता है, दिस इज आर्टिकल 17। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी में आ गया। ठीक है, और ये आ गया आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है, जो 25 से लेकर 28 के बीच में है, और ये आ गया आपका राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 21A राइट टू फ्रीडम कहाँ कहाँ से है, 19 से लेके आपका 22 तक, राइट। तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट पूछा है मैच करेक्टली, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विच इज 1, 2, 3 ओनली। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं हम। रामनंदन कमेटी रिसेंट न्यूज में था, ये किससे रिलेटेड है, दिस वॉज रिलेटेड टू ओबीसी क्रीम लेयर। ठीक है, ओबीसी का क्रीम लेयर जो है, ठीक है, इनकम क्राइटेरिया जो है इन्होंने सजेस्ट किया है, तो ये जस्टिस रामनंदन प्रसाद हैं, इनके अंदर कमेटी गठित की गई थी, ठीक है, बाय द गवर्नमेंट। ये आपके सजेस्ट करेंगे फॉर एक्सक्लूडिंग, इनके रिकमेंडेशन जो थे इन्होंने रिकमेंड किया था फॉर एक्सक्लूडिंग द क्रीमी लेयर अमंग ओबीसीज। ठीक है, 15 सवाल देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी। 15th क्वेश्चन देखते हैं आपका, यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 क्या है, आर्टिकल 21 इज बेसिकली राइट टू लाइफ, इसका राइट टू लाइफ। ठीक है ना, इसका सुप्रीम कोर्ट ने काफी ब्रॉड फ्रेमवर्क, ब्रॉड स्कोप दिया है, तो राइट टू प्राइवेसी आ जाएगा, फ्री लीगल एड भी आता है, रेपुटेशन भी आता है, तो ये तीनों चीज आती है, आंसर विल बी ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। इसके बाद 16वां सवाल देखते हैं, 16वां सवाल क्या है आपका, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये किसके अंदर आ गया, आर्टिकल 22। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव अथॉरिटी, ठीक है ना, टू मेक लॉ ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये गलत है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पावर ऑफ मेकिंग लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये डिवाइड क्या है, बिटवीन द पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट दोनों के पास इक्वल पावर्स हैं टू मेक लॉ विद रिस्पेक्ट टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ठीक है, तो जस्ट नोट दिस, पहला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इसके बाद जो है बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन 1818 जो है, दिस ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिव डिटेंशन, दिस इज करेक्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो है प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है ये ब्रिटिश रूल के दौरान भी एग्जिस्ट करता था, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो एक तो आपका बंगाल स्टेट प्रिजनर्स रेगुलेशन एक्ट है ना 1818 का, इसके अलावा आपका एक है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, विच इज ऑफ 1939, ये भी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए प्रोवाइड करता है। तो जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, ये फैक्ट हो गया आपका। तीसरा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन इज एन्यूमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट, ये चीज भी आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 16 का ऑप्शन विल बी सी, इज दिस क्लियर।
17वां सवाल देख लेते हैं हम लोग। 17वां क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ द राइट टू रिलीजन। ठीक है, राइट फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, दिस इज देयर। कंसाइंस का मतलब क्या होता है, आपकी अंदर की जो भावना होती है भगवान के प्रति, ठीक है, या फिर अपने धर्म के प्रति। ये कंसाइंस जो है आपका, ये है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस है, राइट टू प्रोफेस यानी कि आप बता सकते हैं कि आप कौन से धर्म से हैं, राइट टू प्रोपगेट यानी कि आप नया धर्म का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन राइट टू कन्वर्ट नहीं है। ठीक है, किसी और का धर्म जो है उसको चेंज करवाना ये आपका अधिकार नहीं है। ठीक है, फोर्सिबल कन्वर्शन जो है ये प्रोहिबिटेड है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर, ये इसका आर्टिकल 25 का पार्ट नहीं है। 18वां सवाल देखते हैं हम लोग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 26। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि रामकृष्ण मिशन एंड आनंद मार्ग जो है रिलीजियस डिनोमिनेशन है विद इन दी हिंदू रिलीजन। ठीक है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि रिलीजियस डिनोमिनेशन जो होता है वो उसके तीन कंडीशन होता है। इसको आप एक बार जाके देख लीजिए क्या क्या होता है। पहली बात इसमें क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीव्स होता है। ठीक है, इसके अलावा एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए इसका अलग से। तो इसके तहत जो है आपके सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया है कि रामकृष्ण मिशन आनंद मार्ग जो है दीज विल बी डिनोमिनेशन अंडर हिंदू रिलीजन। और दूसरा जो है अरविंदो सोसाइटी, लेकिन जो है अरविंदो सोसाइटी जो है वो रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें तीन मुख्य पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है, ये इसमें इसके डिटेल में आपके क्वेश्चन नहीं आएगा प्रीलिम्स में, बट आपके मेंस में लिखने के काम आ सकता है। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन के तीन मुख्य पॉइंट्स हैं। ठीक है, रिलीजियस डिनोमिनेशन ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है। पहला है कि एक कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स होना चाहिए जिनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ है। ठीक है, दूसरा एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए उनकी। ठीक है, एंड तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा इज कि उसका एक डिस्टिंक्टिव नेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर रामकृष्ण मिशन, ठीक है, और जो स्वामी विवेकानंद जिसके वो प्रचारक थे, इसके अलावा आनंद मार्ग, ये दोनों आपके रिलीजियस डिनोमिनेशन है। लेकिन अरविंदो सोसाइटी जो आपके श्री अरविंदो थे वो एक रिलीजियस डिनोमिनेशन नहीं है। ठीक है, इज दिस क्लियर। तो यहाँ पे क्या पूछा आपसे, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट, सेकंड इज ऑल्सो करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर। 19वां सवाल देखते हैं, 19वां सवाल क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रेजेंट होता है, सबसे पहले आपका होता है इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद आती है आपकी अप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, अप्रोप्रिएशन बिल फाइनली क्या आएगा, वोट ऑन अकाउंट, जब आप वोट करते हैं उसके लिए। वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, बेसिकली सीएफआई से आप देखे है ना, सीएफआई जो आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है, इससे आप एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ करते हैं ताकि आपका जो बजट है और जो आपका नया फाइनेंशियल ईयर चालू होगा उसके बीच का जो पीरियड है उसके लिए आप पैसा ले सकें वहां पे खर्चे के लिए। ठीक है, तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद अप्रोप्रिएशन यानी कि 132, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर। 20वां सवाल देखते हैं आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू मैंडमस। मैंडमस क्या है, दिस इज अ रिट। मैंडमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। ठीक है, कमांड करना किसी को, ठीक है, कमांड मतलब ऑर्डर देना। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ कमांड इशूड बाय द कोर्ट, ठीक है, टू अ पब्लिक ऑफिशियल आस्किंग हिम टू परफॉर्म हिज ऑफिशियल ड्यूटीज, दिस इज करेक्ट। ठीक है, यानी कि जो ऑफिशियल, जो पब्लिक ऑफिशियल है जिसने अपनी ड्यूटीज अपना परफॉर्म नहीं की है या फिर उसको परफॉर्म नहीं कर रहा है, मना कर रहा है, उसको कोर्ट ऑर्डर देती है कि आप अपने ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कीजिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है आपका। It can also be issued against executive body and not against judicial body. ठीक है, तो ये गलत है यहाँ पे। It can be issued against any public body, corporation, inferior court, tribunal, किसी के भी against जो है इसको issue किया जा सकता है। ठीक है, तो this is wrong. तो यहाँ पे incorrect statement पूछा है, यानी कि answer क्या हो जाएगा, two only, तो that will be option B. Is this clear? ठीक है, 21वां सवाल देखते हैं, 21वां क्या है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू क्वारंटो, ये भी आपका क्वारंटो क्या होता है, दिस इज, इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, क्या अथॉरिटी आपके पास। ठीक है, ये पूछता है इसे, बाय व्हाट अथॉरिटी। तो सबसे पहले क्या है, इट प्रिवेंट्स इलीगल यूजर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय अ पर्सन, ये चीज सही है। ठीक है, कि वो पब्लिक ऑफिस क्या होल्ड करने के लायक, मतलब जायज है कि नहीं उसका पब्लिक ऑफिस होल्ड करना, तो ये चीज इसको प्रिवेंट करने के लिए, इलीगल यूजर्पेशन, असर्पेशन मतलब कि कोई इलीगली वहां पे जाके जबरदस्ती बैठा हुआ है, तो ये इसको प्रिवेंट करता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। दिस कैन बी सॉट ओनली बाय द अग्रीव्ड पर्सन, ये चीज गलत है। अग्रीव्ड पर्सन, अग्रीव्ड मतलब जो इसके, जिसका हनन हुआ है, जिसके अधिकारों का, उसको कहेंगे अग्रीव्ड पर्सन। तो ये सिर्फ अग्रीव्ड पर्सन नहीं कर सकता, इसके अलावा कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन है वो भी इसमें कंटेस्ट कर सकता है इस रेट के लिए। ठीक है ना, इसको इसको सॉट, इट कैन बी सॉट बाय एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन ऑल्सो। तो सेकेंड स्टेटमेंट जो है ये गलत है। ध्यान दीजिए, जब भी ओनली जैसा वर्ड आता है, एक्सट्रीम वर्ड आती है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमने देखा करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, तीसरा, इट कैन आल्सो बी इशूड इन केसेस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस या फिर प्राइवेट ऑफिस, तो दिस इज रॉन्ग।
इस केसेस में ये इशू नहीं हो सकता। तो सेकंड एंड थर्ड आर रॉन्ग, आपसे पूछा है करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, 22वां सवाल देख लेते हैं। 22वां सवाल अगेन आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट है, मार्शल लॉ, ठीक है, एंड आर्टिकल 34 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आर्टिकल 34 क्या प्रोवाइड करता है, रिस्ट्रिक्शन जो फंडामेंटल राइट लगती है जब आपकी मार्शल लॉ किसी भी जगह पे लगी हो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए पूरे, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, इट एम्पावर्स द स्टेट लेजिस्लेचर टू इंडेमनिफाई एनी गवर्नमेंट सर्वेंट। देखिए स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे मेंशन है, दिस इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ठीक है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट, इस पे पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहीं से आपका स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, फॉर एनी एक्ट डन इन द कनेक्शन विद द मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर। ठीक है ना, यहाँ पे पार्लियामेंट होगा, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, एक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ कॉन्ट्रोवर्शन ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तब भी आपकी जो इंडेमनिटी की एक्ट, दिस एक्ट, ठीक है, जो एक्ट किया गया है, इट कैन नॉट बी चैलेंज इन एनी कोर्ट। तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज रॉन्ग। आपसे पूछा गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? 23rd क्या है, सी। 23rd में हम देखते हैं इसको, यहां पे क्या है, विच ऑफ द अबव आर सी, यहां पे देखिए कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। इसके बाद यहां पे क्या है, स्टेटमेंट दिया गया है आपके विद रिस्पेक्ट टू राइट टू प्रॉपर्टी। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट प्रोटेक्ट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी अगेंस्ट एग्जीक्यूटिव एक्शन बट नॉट अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। ठीक है ना, जो आपकी राइट टू प्रॉपर्टी है ये सिर्फ एग्जीक्यूटिव एक्शन के अगेंस्ट प्रिवेंट करता है, नॉट लेजिस्लेटिव एक्शन। ठीक है ना, लेजिस्लेटिव मतलब जो आपकी कानून बना के आपका जो जमीन है उसको ले सकते हैं, लेकिन आपकी एग्जीक्यूटिव एक्शन यानी कि गवर्नमेंट अगर कोई जबरदस्ती आपका लैंड लेती है तो वैसा नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली थ्रू एन एक्ट इट कैन बी टेकन अवे। इसके अलावा तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। गारंटीड राइट टू कॉम्पनसेशन इन केस ऑफ एक्विजिशन बाय द स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या कहा गया, यहाँ पे गारंटीड राइट होगी आपको फॉर एक्विजिशन बाय द स्टेट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोई गारंटी ऐसी नहीं दी गई है बाय द स्टेट फॉर क्या बोलता है, फॉर कॉम्पनसेशन अगर एक्विजिशन या रिक्विजिशन होता है। तीसरा क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। तीसरा क्या है, तीसरा इज इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी अग्रीड पर्सन जो है डायरेक्टली मूव कर सकता है, ये चीज गलत है। राइट डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हैं ओनली केस ऑफ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है, नाउ इट इज ओनली अ लीगल राइट। तो पहले आप लोअर कोर्ट में जाएंगे, उसके बाद ओनली यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो आपका 2 और 3 रॉन्ग है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? 24th क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ये कौन सा आर्टिकल है, दिस इज 18th आर्टिकल ऑफ आर्टिकल 18। इसके बाद क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये कहां पे है, दिस इज आर्टिकल 29। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, एंड इसके बाद क्या है, थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, यह है आपका 22nd क्वेश्चन, दिस इज प्रिवेंटिव डिटेंशन। फोर्थ क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ये है आपका आर्टिकल 23। तो आंसर क्या हो जाएगा, 18, 22। ठीक है, अब आप इसको कर सकते हैं 1, 3, 4, 2। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? 25वां सवाल देखते हैं। 25वां सवाल क्या है, अगेन आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है ना, तो कंसीडर द फॉलोइंग, यहाँ पे अमेंडमेंट जो होता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, इसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट दिया गया है। इफ द बिल सीक्स टू अमेंड द फेडरल प्रोविजंस, इट मस्ट आल्सो बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर्स ऑफ 3/4 नहीं होता, एटलीस्ट हाफ होगा। ठीक है ना, इट इज ओनली हाफ ऑफ द लेजिस्लेचर्स। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड क्या है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल डज नॉट वोट इन केस ऑफ सच बिल्स। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली करती है वोट। ठीक है, थर्ड क्या है, मस्ट बी पास इन द असेंबली बाय स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी नहीं होती, दिस इज सिंपल मेजोरिटी। ठीक है ना, मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, स्पेशल नहीं होगा, सिंपल होगा। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? 26th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगेन इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये इसमें यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में दिया है, अमेंडमेंट बाय, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोविजन विद रिस्पेक्ट विद रेफरेंस टू अमेंडमेंट बाय पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ स्टेट्स। तो सबसे पहला क्या है, प्रोविजन विच आर रिलेटेड फेडरल स्ट्रक्चर आर अमेंडेड बाय सच मैकेनिज्म। ठीक है, ये चीज सही है, यानी कि पार्लियामेंट पहली बात अमेंड करेगी बाय स्पेशल मेजोरिटी एंड साथ ही में आपका कंसेंट होगा स्टेट्स का। जहां पे भी फेडरल स्ट्रक्चर आपकी पॉलिटी का इंपैक्ट होता है वहां पे आपकी इस टाइप की अमेंडमेंट लगती है। ठीक है ना, तो अमेंडमेंट 3 प्रकार के होते हैं, आपको आई होप याद होगा, आर्टिकल 368 में सिंपल होगा, स्पेशल होगा, एंड तीसरा क्या होता है, स्पेशल प्लस स्टेट का कंसेंट। ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल्सो द स्टेट लेजिस्लेचर, ये रॉन्ग है। हमने पहले ही देखा है पिछले सवाल में, सिंपल मेजोरिटी लगेगी यहाँ पे, स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल विद इन 6 मंथ्स, ये चीज आपकी गलत है। ठीक है, 6 मंथ्स का नहीं होता, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं होती है। तो तीसरा गलत है, सेकंड गलत है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? अगला सवाल क्या है, 27th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ठीक है,
तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी. फर्स्ट प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी की कब की गई थी? चाइनीज अग्रेशन के दौरान, ठीक है ना. कब हुआ था? 1962 में इन नेफा. नेफा क्या है? नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, जो आपका अरुणाचल प्रदेश है अभी. तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना. इसके बाद क्या है? सेकंड प्रोक्लेमेशन नेशनल इमरजेंसी का आपका जून 1975 में हुआ था. दिस इज रॉन्ग. इसके बाद आपका कब हुआ था? जब पाकिस्तान के खिलाफ वॉर हुआ था हमारा 1965 में, ठीक है. तो सेकंड इज रॉन्ग. प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी वाज आल्सो मेड इन 1999 इन द वेक ऑफ अटैक बाय पाकिस्तान. दिस इज रॉन्ग. यहाँ पे 1999 में कारगिल वॉर के दौरान कोई भी नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी. तो सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी. सॉरी, यहाँ पे आपसे क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा. करेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. इज दिस क्लियर? 28वां सवाल देखते हैं. 28वां सवाल क्या पूछा है? अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है. तो यहाँ पे ड्यूटी ऑफ द सेंटर टू इंश्योर गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है. तो ये चीज करेक्ट है आपकी, ठीक है. सेंटर टेक्स ओवर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी. तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है. ये किसके बारे में बात हो रही है? बात हो रही है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में, ठीक है ना. ठीक है, तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है. 29th क्या होता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है. अगेन आपसे यहाँ पे क्या पूछा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, ठीक है. तो चेयरमैन जो है नॉमिनेट करता है 12 मेंबर्स को राज्यसभा. ये गलत है. चेयरमैन नहीं, प्रेसिडेंट करता है नॉमिनेट, ठीक है ना. और कौन से स्पेशल एरिया से? यह है स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में, सोशल सर्विस में. ये चीज आपको याद रखनी है. चार कैटेगरीज हैं, ठीक है ना. दूसरा सवाल क्या है? प्रोविजन ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू द अपर हाउस हैज बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है. तो ये चीज गलत है. यहाँ पे अमेरिका में जो है, अमेरिका में नॉमिनेटेड मेंबर्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. वहां पे अपर हाउस को क्या कहते हैं हम लोग? सेनेट कहते हैं. और लोअर हाउस को क्या कहते हैं? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. सेनेट में ऐसा कोई भी रिप्रेजेंटेशन वहां पे नहीं होता ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स. दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी बोथ 1 एंड 2. 30th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 30th क्वेश्चन क्या पूछा है? विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है. यहाँ पे आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है. तो ही प्रोसाइड्स ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट. ये चीज करेक्ट है आपकी, ठीक है. ही डिसाइड्स विद द मनी बिल, वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट, एंड इनका डिसीजन जो होता है फाइनल होता है. दिस इज करेक्ट, ठीक है ना. तो ये चीज इनका करेक्ट है. इसके बाद क्या है? डिसीजन ऑफ स्पीकर इन डिस्क्वालिफिकेशन विद रेफरेंस टू इज नॉट सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू. ये चीज गलत है आपकी. जुडिशियल रिव्यू में सब्जेक्ट होता है ये. 1992 में ये केस आया था. दिस इज योर किहोटो होलोहॉर्न केस, ठीक है ना. ये चीज याद रखिएगा. किहोटो होलोहॉर्न केस में बताया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो स्पीकर का डिसीजन होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, वो आपका सब्जेक्ट होगा टुवर्ड्स जुडिशियल रिव्यू. ये कौन सा डिस्क्वालिफिकेशन? दिस इज अंडर एंटी डिफेक्शन 10th शेड्यूल, ठीक है. यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है आपका. फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ठीक है. सेकेंड स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट होगा. तो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि 3 ओनली. इज दिस क्लियर? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं. यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फिर से पूछा जा रहा है, ठीक है. तो स्पीकर जो है फ्रॉम टाइम टू टाइम समन्स ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट टू मीट, ठीक है. तो ये चीज गलत है. यहाँ पे स्पीकर नहीं, प्रेसिडेंट आपके समन करते हैं. तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा, ध्यान दीजिएगा. पावर ऑफ एडजर्नमेंट एज वेल एज एडजर्नमेंट सीन अ डाई, दिस लाइज विद द प्रेसाइडिंग ऑफिसर. दिस इज करेक्ट. प्रेसाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर या चेयरमैन. तीसरा क्या है? प्रेसिडेंट इशूज अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोलोगेशन. ये भी करेक्ट है. तो इनकरेक्ट पूछा है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. इज दिस क्लियर? 32nd क्वेश्चन देखते हैं. 32nd क्वेश्चन, जीरो आर इज अ डिवाइस. यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है. जीरो आर इज अ डिवाइस अवेलेबल टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू रेज मैटर्स विदाउट एनी प्रायर नोटिस, ठीक है. तो ये चीज आपकी करेक्ट है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. जीरो आर जो है विदाउट एनी प्रायर नोटिस आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? सेकंड इज जीरो आर प्रोसीड्स अ क्वेश्चन आर एंड इज ओनली अवेलेबल टू लोकसभा. ये क्वेश्चन आर के बाद चालू होता है, इमीडिएटली बाद, ना कि उसके पहले, ठीक है. तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. तीसरा क्या है? इट इज इंडियन इनोवेशन. ये चीज करेक्ट है. इंडियन इनोवेशन है आपका जीरो आर. तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्ट है. आंसर विल बी ऑप्शन बी. इज दिस क्लियर? इसके बाद देखते हैं 33वां सवाल है आपका. अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है. किसके रिस्पेक्ट में? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है. तो इट इज अ फंड टू विच ऑल द रिसीप्स आर क्रेडिटेड एंड ऑल पेमेंट्स डेबिटेड. ये चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है. नो मनी आउट ऑफ दिस फंड कैन बी अप्रोप्रिएटेड एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद द पार्लियामेंट्री लॉ. यानी कि पार्लियामेंट का अगर लॉ नहीं है उस, मतलब लॉ बनाने के बाद ही आप वहां से विड्रॉ कर सकते हैं. तो ये चीज आपकी करेक्ट है, ठीक है. एंड 33rd इज ये चीज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना. एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है आपका, इट हैज बीन फॉर्मड इन अकॉर्डेंस विद आर्टिकल 266 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है आर्टिकल 266 से बना है, ठीक है. तो ये चीज आपकी तीनों के तीनों करेक्ट है. तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ठीक है. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. इज दिस क्लियर? 34th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 34th क्या? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन बी यूज्ड बाय लोकसभा टू एक्सप्रेस नो कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट, ठीक है. नो कॉन्फिडेंस अगर आपको दिखाना है तो कौन से तरीके इस्तेमाल कर सकते हो? करेक्ट स्टेटमेंट बताना आपको. बाय नॉट पासिंग मोशन ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट्स इनॉग्रल एड्रेस, ठीक है ना. तो प्रेसिडेंट का अगर, ये चीज करेक्ट है आपकी, दोनों हो गया.
इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेंसी ऑफ मोशन एडजर्नमेंट या फिर एडजर्नमेंट मोशन पास करके, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, या फिर कट मोशन पास करना, ठीक है ना। अब ये क्या होता है कट मोशन, सेंसी ऑफ मोशन, ये सब आप जाके एक बार रिवाइज कर लीजिए। यहाँ पे तीनों तरीके जो है, इन तीनों तरीके से आप डिसअप्रूवल या फिर नो कॉन्फिडेंस व्यक्त कर सकते हो अपना, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन डी, काइंडली गो एंड रिवाइज दीज, ठीक है ना, कट मोशन। 35th क्वेश्चन, 35th क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नीति आयोग, ठीक है। तो डिजाइन पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क, ये ध्यान दीजिएगा, नीति आयोग जो है दिस इज अ थिंक टैंक ओनली, इसका काम सिर्फ थिंक टैंक है, ठीक है। डिजाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क ये चीज करता है, ये फोर्स कोऑपरेटिव ये भी करता है, रिसोर्स एलोकेशन टू स्टेट्स ये चीज नहीं करता है, थिंक टैंक एंड नॉलेज इनोवेशन हब ये चीज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉट पूछा, नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, दिस इज योर 36th क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा आपसे, करेक्ट आंसर बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डू नॉट फाइंड मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ये है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ये चीज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है ना, डू नॉट फाइंड मेंशन पूछा है आपसे, ठीक है। तो ऑल इंडिया सर्विसेज जो है आपके, देखिए यहाँ पे इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है ये आपकी मेंशन नहीं है आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। इंडियन फॉरेन सर्विस ये चीज मेंशन है आपकी, आईपीएस भी मेंशन है, आईएएस भी मेंशन है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस ये भी चीज मेंशन नहीं है, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो फॉरेस्ट सर्विस एंड जुडिशियल सर्विस ये दोनों आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, इज दिस क्लियर। 37th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है विद रिगार्डिंग टू पावर्स ऑफ गवर्नर, किसके लिए, फॉर रिजर्विंग अ बिल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज लेड डाउन इन आर्टिकल 200, ये चीज करेक्ट है आपके, आर्टिकल 200 में ये चीज मेंशन की गई है, ठीक है ना। डिस्क्रिशनरी पावर होता है गवर्नर का, ये भी सही बात है, रिजर्व, ही कैन रिजर्व एनी बिल पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन ए। 38th क्वेश्चन क्या है आपका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड वाइस गवर्नर, वाइस गवर्नर कुछ नहीं होता यहाँ पे, है ना, वाइस गवर्नर नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया। इसके बाद क्या है, द ऑफिस ऑफ गवर्नर हैज अ डुअल रोल, ठीक है, इट इज एज एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट एज वेल एज एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है ना। ये चीज आपकी करेक्ट है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका करेक्ट हो गया। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा, यानी कि आंसर विल बी ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 39th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 39th क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेट करता है। तो इंडियन, यहाँ पे आप देखिए डीपीएसपी में आपका फॉरेन पॉलिसी के बारे में दिया गया है, मतलब फॉरेन रिलेशंस आपको अच्छे मेंटेन करने हैं, दैट इज अंडर आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि डीपीएसपी है। ये बेसिकली क्या है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना, ठीक है, इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डीपीएसपी, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 51 जो है ये इससे रिलेट करता है, ठीक है। आर्टिकल 380 क्या है, ये आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा रिपील किया जा चुका है। 312 जो है ये आपके ऑल इंडिया सर्विसेज से डील करता है, एंड आर्टिकल 60 जो है आपका ये क्या है, ओथ एंड एफर्मेशन जो होती है आपकी, ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ओथ होता है उससे डील करता है, ठीक है। 40th क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 40th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पंचायत, ठीक है ना, पंचायत के रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज, ये चीज आपकी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। गवर्नर ऑथराइज टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत एज पर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है ना। तो ये चीज आपकी गलत है, गवर्नर नहीं बल्कि जो आपका स्टेट लेजिस्लेचर होता है उसको पावर दिया गया है कि वो आपके प्रोविजन करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर नॉट गवर्नर, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तीसरा क्या है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसने पंचायती राज को अंडर परव्यू ऑफ जस्टिशियबल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ले आया है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। यानी कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऑब्लिगेशन में होगी, यानी कि उसके ऊपर कंपलसरी होगा कि उसको पंचायती राज जो है इंस्टीट्यूशंस अपने स्टेट में बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, सेकेंड इज रॉन्ग, आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 41st क्वेश्चन देखते हैं, 41st क्वेश्चन क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है, लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे, ठीक है, लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन विद 3/4 मेजोरिटी, ठीक है ना, लोकसभा कैन पास अ रेजोल्यूशन विद 3/4 मेजोरिटी टू मेक अ लॉ इवन इफ इट इज इन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ये चीज गलत है आपकी, ठीक है। यह आपका कौन कर सकता है, राज्यसभा कर सकता है, ठीक है, बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है, अगर कोई नेसेसरी होगा इन नेशनल इंटरेस्ट की स्टेट लिस्ट में स्पेसिफाइड जो मैटर है, ठीक है ना, ठीक है। तो इसमें आपको ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आप एक बार जाके इसको रिवाइज कीजिए, राज्यसभा के पास पावर होता है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 249 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एंड इसमें क्या होता है, मेजोरिटी कितनी चाहिए इसमें, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रेजोल्यूशन सच पास्ट
shall remain in force for a period of not exceeding 1 year. This is correct. ठीक है, second statement correct है आपका. Law ceases to have effect on the expiration of the period of 6 months after the resolution has ceased to be in force. This is also correct. तो answer यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? Correct statement पूछा है 2 and 3, यानी कि option B. ठीक है, is this clear? 42nd question क्या है आपका? 42nd में अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है. तो दिस ये किसके रिस्पेक्ट में है? रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ऑफ नॉन रेसिडेंट इंडियन बिल. ये 2019 का बिल है, इसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट. तो बिल जो है, इट मेक्स मैंडेटरी फॉर एनआरआई मेन टू रजिस्टर देयर मैरिज विद इन 30 days ऑफ गेटिंग मैरिड. दिस इज करेक्ट. ठीक है ना, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रजिस्ट्रेशन पासपोर्ट जो एनआरआई का है इसको रिवोक कर दिया जाएगा. इट विल बी रिवोक्ड, इसको समन किया जाएगा एंड वारंट विल बी इशूड. तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. ठीक है, द प्रपोज्ड लॉ विल बी एप्लीकेबल टू एनआरआईज मैरिंग इंडियन वुमेन विद इन इंडिया ओनली. ये गलत है, यहाँ पे विद इन इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया दोनों पे ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है ना, इंडिया ओनली नहीं है, इंडिया प्लस आउटसाइड इंडिया दोनों पे एप्लीकेबल है. तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है आपका. करेक्ट पूछ रहा है, 1 and 2 आ करेक्ट. आंसर विल बी ऑप्शन ए. इज इज क्लियर. 43rd क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. यहाँ पे क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है? नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी. यहाँ पे पूछा रहा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट. इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सा है? ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है किसके रिस्पेक्ट में? नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी NDCP 2018. पॉलिसी एम्स टू प्रोवाइड यूनिवर्सल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी 500 Mbps. 500 Mbps बहुत ज्यादा हो गया. यहाँ कितना है? 50 Mbps दिया जाएगा इसमें. ठीक है, मेगा बिट्स पर सेकंड होता है. ठीक है ना, मेगा बाइट नहीं होता, मेगा बिट्स होता है, स्मॉल बी है. ठीक है ना, MB होता है मेगा बाइट, MB होता है स्मॉल बिट्स. ठीक है ना, ये बिट्स है, ये बाइट्स है. ठीक है, रिमेंबर दिस. तो पॉलिसी 50 Mbps देता है, तो ये चीज आपकी गलत हो जाएगी. फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सेकंड स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? पॉलिसी एडवोकेट्स फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल डिजिटल ग्रिड. किसके द्वारा? बाय क्रिएटिंग अ नेशनल फाइबर अथॉरिटी. सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनकरेक्ट पूछा रहा है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. इज दिस क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. 44th क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे? करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे किसके रिस्पेक्ट में है? ऑन द टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना, करेक्ट स्टेटमेंट. सिंपल मेजोरिटी नीडेड फॉर रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. ठीक है, डिप्यूटी चेयरमैन और आपके लोकसभा डेप्यूटी चेयरमैन. ठीक है ना, ये गलत है. यहाँ पे आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है. ठीक है ना, इफेक्टिव मेजोरिटी विल बी एप्लीकेबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. इफेक्टिव मेजोरिटी इज नीडेड फॉर द रिमूवल ऑफ लोकसभा स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर. ठीक है ना, तो इसके लिए भी आपकी इफेक्टिव मेजोरिटी लगती है. तो ये सेकंड स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. इफेक्टिव मेजोरिटी आपकी इसके लिए भी लगेगी, इसके लिए भी लगेगी. ठीक है ना, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए आपके दोनों हाउसेस के, उनके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी लगता है. तो जस्ट रिमेंबर दिस, ये सिंपल नहीं लगेगा, इफेक्टिव लगेगा दोनों के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड में जो दिया है. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है. इज दिस क्लियर? उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है यहाँ पे? द रेजोल्यूशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप. दिस इज करेक्ट. द थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो यानी कि 2 and 3 करेक्ट हो जाएगा. आंसर विल बी ऑप्शन बी. इज दिस क्लियर? 45th क्वेश्चन देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू विद रेफरेंस टू बेनामी ट्रांजेक्शन. बेनामी ट्रांजेक्शन प्रोहिबिशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 का. यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं. प्रॉपर्टी जब डिक्लेयर की जाती है बेनामी, ये रेस्ट करेगी विद द गवर्नमेंट विदाउट पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन. ठीक है, दिस इज करेक्ट. ठीक है ना, इसके बाद प्रॉपर्टी हेल्ड इन द नेम ऑफ फादर मदर एज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट बट द फंड्स आर प्रोवाइडेड बाय द चाइल्ड. दिस टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जो है ये भी आपके न्यू बेनामी लॉ में आएंगे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. जस्ट रिमेंबर द प्रोविजंस ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शंस. ठीक है, तो यहाँ पे आपके आंसर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी ऑप्शन सी. ठीक है, 46th क्वेश्चन लोग देख लेते हैं. बोलो ऐप जो है किसका इनिशिएटिव है? बोलो ऐप जो है गूगल का इनिशिएटिव है. ठीक है, ये क्या है? स्पीच बेस्ड जो है रीडिंग ट्यूटर ऐप है. ठीक है, यानी कि रीड करेगा जो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है. तो ये स्पीच बेस्ड रीडिंग ट्यूटर ऐप है. ठीक है, दिस इज हैज बीन लॉन्च्ड बाय गूगल. जस्ट रिमेंबर दिस. 47th क्वेश्चन क्या है? दिस इज विद रिस्पेक्ट टू नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन. ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है. ठीक है, तो जस्ट नोट दिस, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है आपसे. सबसे पहले क्या, इट इज अ क्वासी जुडिशियल कमीशन. क्वासी जुडिशियल कमीशन है जो 1988 में सेटअप किया गया था अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का. दिस इज करेक्ट. क्वासी जुडिशियल कमीशन है ये. क्वासी जुडिशियल मतलब सेमी जुडिशियल पावर्स है. ठीक है, एंड इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इट हैज जुरिसडिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट वैल्यूड लेस देन 1 crore ओनली. ठीक है ना, यहाँ पे ये चीज गलत है. इसका जुरिसडिक्शन क्या होगा? एंटरटेन अ कंप्लेंट वैल्यूड मोर देन 1 crore. ठीक है ना, थर्ड क्या है? फाइनल अथॉरिटी. सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया आपका, फर्स्ट इज करेक्ट. थर्ड क्या है? फाइनल अथॉरिटी है. इसका वर्डिक्ट जो है किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता. दिस इज रॉन्ग. ठीक है ना, इसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो. ठीक है, दिस इज नॉट द फाइनल अथॉरिटी. इसके डिसीजन के खिलाफ आप अपील कर सकते हैं टू द सुप्रीम कोर्ट. तो दिस इज रॉन्ग. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स रॉन्ग. तो आंसर क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट पूछ रहा है. आंसर विल बी ऑप्शन बी. इज दिस क्लियर? 48th क्वेश्चन क्या है? करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं आपसे. ठीक है,
इनिशियली दिस इज विद रिस्पेक्ट टू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, एसएससी की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनिशियली इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड एज अ कमीशन कॉल्ड द सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन 1975 में, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। पहले इसको सबऑर्डिनेट सर्विसेज कमीशन के नाम से इसको गठित किया गया था, ठीक है। इसके बाद मेक्स रिक्रूटमेंट ओनली टू वेरियस ग्रुप सी नॉन टेक्निकल पोस्ट, ये चीज़ गलत है। ग्रुप बी जो पोस्ट होते हैं उनकी भी रिक्रूटमेंट करवाता है, जैसे आपको पता होगा एसएससी की बात हो रही है, एसएससी सीजीएल जो एग्जाम होता है आपको आइडिया होगा इसके बारे में, ग्रुप बी पोस्ट होते हैं उनके लिए भी रिक्रूटमेंट करवाता है। तो तीसरा क्या है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला करेक्ट है। तीसरा क्या है, एसएससी अटैच ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग का, दिस इज करेक्ट। एसएससी जो है इसका अटैच ऑफिस है डीओपीटी का, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी। 49th क्वेश्चन क्या है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में। तो बीआईएस जो है नेशनल स्टैंडर्ड्स बॉडी है, ये चीज आपको पता है, दिस इज करेक्ट। ये दिस वर्क्स एज डब्ल्यूटीओ डीटीबीटी, ठीक है ना, डब्ल्यूटीओ बीटी टीबीटी इंक्वायरी पॉइंट की तरह एक्ट करता है ये, तो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तीसरा क्या है, वर्क्स अंडर द एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ये मिनिस्ट्री आप ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्री जो है दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ठीक है ना, ये चीज भी आपकी करेक्ट है। तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन डी, इज दिस क्लियर। 50th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं है, ठीक है ना, तो ये चीज गलत है आपकी। टेन्योर दिया गया है, कितना टेन्योर होता है, 5 years का टेन्योर होता है फ्रॉम द डेट अपॉन विच ही एंटर्स द ऑफिस, दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है ना। अब इसके जो आर्टिकल्स हैं ये देख लीजिएगा आप, दिस इज मेंशन अंडर आर्टिकल 56 क्लॉज 1, ठीक है। गवर्नर का जो है टेन्योर, दिस इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। गवर्नर भी जो है इनका टर्म जो है मेंशन किया गया है, ये अगेन 5 years के लिए होल्ड करते हैं, ये आर्टिकल दिया गया है 156 में, तो ऊपर प्रेसिडेंट का 56 में, दिस इज अंडर आर्टिकल 156 क्लॉज 3, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देते हैं इसको, पहला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है, ये दिस इज अंडर आर्टिकल 56(1), दिस इज अंडर आर्टिकल 156(3) क्लॉज 3। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, द प्रेसिडेंट शुड सबमिट रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिंस ही एडमिनिस्टर्स हिज ओथ ऑफ ऑफिस, ठीक है ना, तो दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। प्रेसिडेंट जो है ये किसको रेजिग्नेशन सबमिट करते हैं, ये करते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, ना कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दिस इज वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चौथा क्या है, ओनली वन प्रेसिडेंट इन इंडिया हैज हेल्ड टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ये चीज सही है आपकी, जो राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट थे हमारे राष्ट्रपति, उन्होंने 2 terms होल्ड की थी कंसेक्यूटिव, ठीक है, एंड ही इज द ओनली प्रेसिडेंट, तो सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 51st क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 51st क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपसे अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, ठीक है। तो देयर शैल बी अ रेगुलर एग्जामिनेशन 5th class में 8th class में एट द एंड ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, ठीक है, तो ये चीज सही है आपकी, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये चीज हो जाएगा आपका। इफ अ चाइल्ड फेल्स इन द एग्जामिनेशन ही और शी शैल नॉट बी ग्रांटेड अपॉर्चुनिटी फॉर री एग्जामिनेशन, ये चीज गलत है आपकी, री एग्जामिनेशन करवाई जाएगी, ठीक है, ये ऑब्वियस भी है, आप देख सकते हैं, इतना हार्श आपकी सरकार नहीं करेगी। तीसरा स्टेटमेंट क्या है, इन सच केसेस चाइल्ड जो है इसको एक्सपेल कर दिया जाएगा फ्रॉम द स्कूल विदाउट कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, दिस इज अगेन रॉन्ग, ठीक है, नो चाइल्ड शैल बी एक्सपेल्ड, ठीक है ना, आप जानते हैं सीसीई कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ऑफ द चाइल्ड होना चाहिए, ठीक है। तो तीसरा भी रॉन्ग है आपका, सेकंड एंड थर्ड बोथ आर रॉन्ग, फर्स्ट इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आपसे पूछ रहा है, आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। 52nd क्वेश्चन देखते हैं, 52nd किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज थर्ड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ओथ और अफर्मेशन से डील करता है आपका थर्ड शेड्यूल। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा आ रहा है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे आ रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन सा करेक्ट है, इट डज नॉट डील विद ओथ और अफर्मेशन, किस किस के ओथ और अफर्मेशन से डील नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मेंबर्स ऑफ विलेज पंचायत ऑब्वियसली नहीं होगा इसमें, ठीक है ना, तो ये आपका फर्स्ट जो है गलत है। इसके बाद मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनकी जो है ओथ होती है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, जजेस ऑफ हाई कोर्ट, ऑफकोर्स दिस विल बी देयर। फोर्थ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अगेन दिस इज नॉट देयर, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 4, इन दोनों के जो है ओथ और एफर्मेशन इसमें मेंशन नहीं है थर्ड शेड्यूल में, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 53rd क्या है, विद रेफरेंस टू प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज लेड डाउन इन आर्टिकल 368, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है। तो अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है यहाँ पे, अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इट कैन बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद प्रायर परमिशन, दिस इज रॉन्ग, सिर्फ आपके पार्लियामेंट में हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में नहीं, एंड प्रायर परमिशन आपके प्रेसिडेंट जो होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है आपका, बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय मिनिस्टर नॉट बाय अ प्राइवेट मेंबर, दिस इज रॉन्ग, अगेन जो बिल होता है अमेंडमेंट के लिए इसको दोनों ला सकते हैं आपके मिनिस्टर एज वेल एज प्राइवेट मेंबर। तीसरा क्या है, प्राइवेट प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज करेक्ट, प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट का रिक्वायर्ड नहीं होता है फॉर अमेंडमेंट बिल के लिए, ठीक है ना, फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 only इज करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर, ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
54th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू चेंज द नेम ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया, ठीक है ना। तो गवर्नर नहीं, आपके यहाँ पे आंसर क्या होगा, सीधा पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट जो है इसको एम्पावर किया गया आर्टिकल 3 के अंदर, आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसने एम्पावर किया पार्लियामेंट को कि वो चेंजेस कर सकता है एरिया बाउंड्री किसी भी नाम में, ठीक है ना, ऑफ द स्टेट्स। 55th सवाल देखते हैं, एड्रेस ऑफ प्रेसिडेंट जो है ये डिस्कस किया जाता है इन बोथ द हाउसेज ऑन अ मोशन कॉल्ड एज मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है ना, ये उसको कहते हैं मोशन ऑफ थैंक्स, ठीक है। 56th सवाल क्या है आपका, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टू डिसाइड डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, ये किसके अंदर आता है, दिस कम्स अंडर ओरिजिनल जुरिसडिक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओरिजिनल मतलब सुप्रीम कोर्ट ओरिजिनल पावर है, अगर कोई भी ऐसे डिस्प्यूट है तो इसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है हियर कर सकती है, ठीक है ना, और कोई भी कोर्ट आपका हियर नहीं कर सकता, और डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स, इज दिस क्लियर, सबसे पहले हियर कर सकती है इसको। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, इज दिस क्लियर। 57th क्या होता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, इफ एनी मिनिस्टर डिसएग्रीज विद कैबिनेट डिसीजन एंड इज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिफेंड इट, ठीक है, ही मस्ट रिजाइन, ठीक है। अगर कोई भी कैबिनेट डिसीजन जो है उससे अग्री नहीं करता है, ठीक है, तो ही विल हैव टू रिजाइन, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नो मिनिस्टर हैज गिवन रेजिग्नेशन, ये चीज गलत है आपकी, रेजिग्नेशन काफी मिनिस्टर्स ने हमारे हिस्ट्री में दिया है ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो आपका आंसर हो जाएगा ए ओनली, ठीक है। ये किसके बेसिस पे है, ये किसके क्वेश्चन किसके बेसिस पे, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, यानी कि जो कैबिनेट का डिसीजन होता है सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स को बाइंड करता है उस डिसीजन पे, ठीक है, और अगर कोई भी उसे डिफेक्ट करता है उस डिसीजन से तो उसको रिजाइन करना पड़ेगा। तो 57th का हमने देख लिया है। 58th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ग्राम सभा जो है, व्हाट इज दिस ग्राम सभा, होता क्या है ग्राम सभा, ग्राम सभा इज बेसिकली इट इज द बॉडी ऑफ ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स, ठीक है, जितने भी आपके रजिस्टर्ड वोटर होते हैं पूरे विलेज में अंडर द पंचायत। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस इज सी आंसर, ठीक है ना, होल पॉपुलेशन ही होगा, एडल्ट पॉपुलेशन पूरा नहीं होता, दिस इज ऑल द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द विलेज, ठीक है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। 59th क्वेश्चन देख लेते हैं हम, फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है इंडिया का, ठीक है, ये किसमें है, दिस इज अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो यहाँ पे कहाँ पे होगा, ये वाइडर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गारंटीड बाय आर्टिकल 19(1)(a), यानी कि ऑप्शन बी, इज दिस अगेन क्लियर। 60th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 60th क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत ही है, दिस विल बी 1, 2 एंड 3, तो काइंडली नोट दिस, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू जनरल इलेक्शन 2019, ठीक है। तो पहला क्या है, हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है कंटेस्ट किए थे फ्रॉम निजामाबाद सीट, ठीक है, देखिए निजामाबाद जो है आपका यहाँ से 185 कैंडिडेट जो है इन्होंने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, दिस इज द हाईएस्ट नंबर, दिस दीज आर फैक्ट्स, इसको आप एक बार ध्यान दे दीजिए, ठीक है, आपके प्रीलिम्स में आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो 185 कैंडिडेट जो है निजामाबाद तेलंगाना से इन्होंने कंटेस्ट किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। इसके बाद क्या, कांग्रेस पार्टी कंटेस्टेड ऑन मैक्सिमम सीट, दिस इज रॉन्ग, कांग्रेस पार्टी ने मैक्सिमम सीट से कंटेस्ट नहीं किया था, ठीक है। बीजेपी जो है इसने 435 सीट से कंटेस्ट किया था, कांग्रेस ने 420, तो यानी कि सबसे ज्यादा सीट किसने किए थे, बीजेपी नॉट कांग्रेस पार्टी। तीसरा जो है बहुजन समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है इन द इलेक्शन, दिस इज करेक्ट, ठीक है। बसपा जो बीएसपी है, बहुजन समाजवादी पार्टी, इसने कंटेस्ट किया 373 सीट से, ठीक है। तो कांग्रेस हैज डन फ्रॉम 420, बीजेपी फ्रॉम 435, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो गया, दिस आंसर शुड बी बीजेपी, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। 61st क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट्स फ्रॉम नेशनल पार्टीज इन द जनरल इलेक्शन 2019, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, दिस इज वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन नेशनल पार्टीज में, ठीक है ना, दिस इज अ फैक्ट, ठीक है, इसको आप जाकर देख लीजिए एक बार। तो कैंडिडेट जो है 5 नेशनल पार्टीज ने यहाँ पे कंटेस्ट किए हैं, ठीक है ना, इज दिस क्लियर। 62nd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी ऑफ रजिस्टर्ड द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ वोट्स इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1951-52 आफ्टर द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो यहाँ पे आंसर क्या है, दिस इज योर सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है। तो ये आपके लक्ष्मीकांत ने फैक्ट दिया हुआ है, तो काइंडली गो एंड सी इट, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके बाद सोशलिस्ट पार्टी जो है इसको सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ वोट्स मिले थे, ठीक है, आफ्टर योर कांग्रेस, कांग्रेस को कितना मिला था, दिस वॉज अराउंड 45% एंड सोशलिस्ट पार्टी वॉज अराउंड आपका 10%, ठीक है। 63rd क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 63rd क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टी इन इंडिया इज नॉट रिकग्नाइज एज अ नेशनल पार्टी बाय इलेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका पूरा लिस्ट दिया हुआ है। नेशनल कांग्रेस पार्टी है आपकी, तो कांग्रेस पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी जो है नेशनल पार्टी नहीं है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, ठीक है। तो दीज आर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब 64th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 64th क्वेश्चन क्या है, ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट,
तो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, क्योंकि इलेक्शन इसी साल हुआ है, ठीक है, 2019 में, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पीसीएस के प्रीलिम्स में आ सकता है. तो लेट अस लुक एट दिस क्वेश्चन. 64th क्वेश्चन है आपका, ठीक है. अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है. एमसीसी कम्स इनटू फोर्स इमीडिएटली ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ द इलेक्शन शेड्यूल बाय द कमीशन. दिस इज करेक्ट. इमीडिएटली जैसे आपका शेड्यूल अनाउंस होता है, एमसीसी आपकी लग जाती है, ठीक है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. मेन पर्पज क्या होता है? इंश्योर कि रूलिंग पार्टी जो सेंटर और स्टेट में है, ये मिसयूज ना करें अपना पोजिशन ऑफ एडवांटेज, ताकि उनको एक एज मिल जाए अपने ऑपोजिशन पार्टीज पे. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तीसरा क्या है? एमसीसी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द स्टेट असेंबली इन द इलेक्शन ऑफ अरुणाचल प्रदेश. दिस इज रॉन्ग. ये सबसे पहले केरला में आया था, नॉट इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है. दिस वॉज इन केरला इन 1960, ठीक है. 1960 ईयर करेक्ट है, लेकिन ये स्टेट जो है केरला होगा. तो तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, वन एंड टू ओनली. इज दिस क्लियर? 65th सवाल देख लेते हैं हम लोग. 65th सवाल देख लेते हैं हम लोग. यहाँ पे क्या पूछा है आपसे? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना. इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है आपसे. एंड यहाँ पे फिर क्या है? रिटर्निंग ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी एक्सक्लूडिंग द काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है. तो ये आपको गलत है. यहाँ पे काउंटिंग ऑफ वोट्स जो है इसको भी करवाते हैं, ठीक है. विच ऑल्सो इंक्लूड्स काउंटिंग ऑफ वोट्स, ठीक है ना. एक्सक्लूड नहीं करता इसको, ये इंक्लूड करेगा, ठीक है. तो दिस इज रॉन्ग. इसके बाद जो है आपका काउंटिंग ऑफ वोट्स बिगिंस विद इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट्स, बिगिंस विद एंड पोस्टल बैलेट्स. ये भी चीज़ सही है, ठीक है. सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड जो पोस्टल बैलेट्स आती हैं, पोस्टल बैलेट्स आती हैं, वहाँ से आपकी इलेक्शन जो है ये काउंटिंग चालू होती है. तो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. तीसरा, ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ काउंटिंग ऑफ पोस्टल बैलेट्स द वोट्स फ्रॉम द ईवीएम आर काउंटेड, ठीक है. तो वोट जो है आपके ईवीएम का, दीज वोट्स आर काउंटेड अंडर डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ द आरओ. काउंटिंग ईवीएम का जो है ये 30 मिनट बाद चालू हो जाता है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ क्या बोलते हैं आपका पीबी काउंटिंग, ठीक है. अगर आपके पोस्टल बैलेट काउंटिंग पूरा नहीं भी हुआ है, तब भी जब आपका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू हुआ है, उसके 30 मिनट बाद आपकी ईवीएम की काउंटिंग जो है चालू हो जाती है. समझ में आया? तो ये आपका स्टेटमेंट तीसरा गलत है. पूरा कंप्लीशन के बाद नहीं, बल्कि जब आपका पोस्टल बैलेट का काउंटिंग शुरू किया गया है, उसके 30 मिनट बाद, ठीक है. 30 मिनट बाद से आपकी ईवीएम की काउंटिंग चालू हो जाती है. तो फर्स्ट एंड थर्ड आर रॉन्ग. यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? दिस विल बी ऑप्शन सी. इज दिस क्लियर? 66th क्वेश्चन देखते हैं. आइडेंटिफाई द पर्सनालिटी. यहाँ पे पर्सनालिटी जो है इनको आइडेंटिफाई करना है आपको, ठीक है. यहाँ पे उनके बारे में कुछ फैक्ट्स दिया गया है. ये प्राइम मिनिस्टर थे किसके? कश्मीर के, फ्रॉम 1937 टू 1943, ठीक है. इसके बाद ही वाज आल्सो द हेड ऑफ डेलीगेशन दैट रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द यूनाइटेड नेशंस इन द पर्सिस्टेंट डिस्प्यूट ओवर कश्मीर, ठीक है. 1941 में इनको क्या मिला? इनको मिला है नाइटहुड, ठीक है. नाइटहुड मतलब जो सर का टाइटल होता है, वो मिला है इनको किंग जॉर्ज 6 से. तो ये कौन है आपके? एन गोपालस्वामी अयंगर हैं ये इनके. दिस इज अ फैक्ट. आप इसको बजा के लक्ष्मीकांत में आप इसको बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है. 67th क्वेश्चन देखते हैं. 67th क्वेश्चन क्या है? कंसिडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेशन टैक्स. अगेन यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, ये चीज पे आप ध्यान दीजिए. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, ठीक है ना. इनकरेक्ट पूछा गया आपसे. तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? सबसे पहला स्टेटमेंट, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? कॉर्पोरेशन टैक्स जो है एक इट इज इम्पोज ऑन नेट इनकम ऑफ प्रॉफिट और प्रॉफिट जो एंटरप्राइजेस बनाती हैं आपकी फ्रॉम देयर बिजनेसेस. दिस इज करेक्ट, ठीक है. द फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट. सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गवर्नमेंट ने स्लैश कर दिया है डोमेस्टिक कॉर्पोरेट टैक्स. इफेक्टिव कितना? 25.17%. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ये रिसेंटली किया गया है सितंबर 2019 में. कॉर्पोरेशन टैक्स कम्स अंडर इनडायरेक्ट टैक्सेस. ये इनडायरेक्ट नहीं है. कॉर्पोरेशन टैक्स जो है डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है. इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट. आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए. 68th क्वेश्चन देखते हैं. यहाँ पे आपसे क्या पूछा रहा है? अगेन ये असर्शन रीजन आ गया आपके पास, ठीक है. सबसे असर्शन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है एंड विच सेजेस ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ स्टेट्स. स्टेट्स यानी कि जो प्रोविंसेस थे एज ऑटोनोमस यूनिट्स ऑफ गवर्नेंस. ये चीज़ आपकी सही है. यानी कि ऑटोनॉमी जो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी वहाँ पे, ठीक है ना, 1935 एक्ट के तहत. रीजन क्या है? प्रोवाइडेड फॉर द थ्री डिफरेंट लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कंकरेंट. तो ये रीजन भी आपका करेक्ट है, ए भी करेक्ट है आपका. एंड रीजन ऑल्सो एक्सप्लेन द असर्शन, ठीक है ना. तो आंसर विल बी ऑप्शन ए. इज दिस क्लियर? 69th सवाल देख लेते हैं. 69th क्या है? अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है. किसके रिस्पेक्ट में? यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी. वर्क प्राइमरली इन वेस्टर्न एशिया, ठीक है. प्राइमरली ये जो है वेस्टर्न एशिया में काम कर रहा है. फॉर एजुकेशन, हेल्थ रिलीफ, हेल्थ केयर रिलीफ एंड सोशल सर्विसेज. दिस इज करेक्ट. मैंडेट क्या है? प्रोवाइड इंटरनेशनल प्रोटेक्शन टू रेफ्यूजीज, ठीक है. देखिए यहाँ पे इंटरनेशनल प्रोटेक्शन नहीं देना है रेफ्यूजीज को, ठीक है. ये असिस्टेंस देगा, प्रोटेक्शन देगा, ग्लोबल एडवोकेसी के लिए ओनली फॉर रेफ्यूजीज वर्ल्ड वाइड वेन एवर पॉलिटिकल कंडीशन अलाउ. तो दिस इज प्राइमरली फॉर आपका जो पैलेस्टीन के रेफ्यूजीज होते हैं, ठीक है. ठीक है, इज दिस क्लियर? और जो पैलेस्टीन के बाहर जो रेफ्यूजीज होते हैं आपके, ठीक है,
तो जो आपका यूएन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी है, ये डील करता है विद वेस्टर्न एशिया विद रिस्पेक्ट टू पैलेस्टीन के जो रेफ्यूजीज होते हैं, जो पैलेस्टीन के जो आपका यूएन आरडब्ल्यूए है इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है वेस्टर्न एशिया का, इसके बाहर जो रीजंस हैं वहां पे आपकी डील करती है यूएनएचसीआर, ठीक है ना, यूएनएचसीआर आपकी डील करती है फॉर ऑल द रेफ्यूजीज आउटसाइड दिस एरिया, ठीक है ना, जो आपका यूएनआरडब्ल्यूए देखता है। तो यहाँ पे आपका क्या है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओनली राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? 70th क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 70th क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पे, 70th क्वेश्चन में क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग थीम इज नॉट एसोसिएटेड विद एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, तो देखो स्किल डेवलपमेंट है, स्पेस एजुकेशन नहीं है, स्पेस एजुकेशन नहीं है, दिस इज ऑब्वियस, तो यहाँ पे बी स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा गया है, इरिगेशन है, स्किल डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है। इज दिस क्लियर? 71st क्वेश्चन देखते हैं। 71st क्वेश्चन क्या है, ग्राम न्यायालय एक्ट के तहत यहाँ पे के रिस्पेक्ट में यहाँ पे तीन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ग्राम न्यायालय एक्ट के अकॉर्डिंग जो ग्राम न्यायालय है ये सिर्फ सिविल केसेस हेयर कर सकते हैं और क्रिमिनल केसेस नहीं हेयर कर सकते, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। इसके बाद जो है, दे आर गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू एनी रूल मेड बाय द हाई कोर्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? ऑप्शन विल बी सी। 72nd क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। 72nd क्वेश्चन क्या है, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिफरेंस बिटवीन द पार्डनिंग पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, यहाँ पे डिफरेंसेस देखा गया है बिटवीन पार्डनिंग पावर्स प्रेसिडेंट और गवर्नर के, तो यहाँ पे क्या पूछा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, ठीक है ना, तो पार्डनिंग पावर जो प्रेसिडेंट का है आर्टिकल 72 में है, दिस इज वाइडर देन द पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर, ये चीज सही है, ठीक है, प्रेसिडेंट जो है ही कैन पार्डन डेथ सेंटेंस वाइल गवर्नर जो है नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये चीज़ भी आपकी सही है, ठीक है, डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का, पार्डन मतलब माफ करने का जो पावर होता है दैट इज विद प्रेसिडेंट ओनली नॉट द गवर्नर। तीसरा क्या है, प्रेसिडेंट जो है पार्डन कर सकते हैं सेंटेंसेस विच हैव बीन इन्फ्लिक्टेड बाय कोर्ट मार्शल, ये भी सही बात है, कोर्ट मार्शल ने अगर कोई सेंटेंस दिया है तो उसको पार्डन किया जा सकता है ओनली बाय द प्रेसिडेंट नॉट द गवर्नर, ठीक है, तो 72nd का क्या हो जाएगा, द आंसर विल बी ऑप्शन सी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इज दिस क्लियर? 73rd क्वेश्चन देखते हैं। 73rd क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो चीज़ करेक्ट है आपके, तो पहला जो है आपका पार्लियामेंट जो है टैक्स इंक्रीज कर सकता है, दिस इज रॉन्ग, पार्लियामेंट रिड्यूस कर सकता है, अबॉलिश कर सकता है, लेकिन उसको बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, पार्लियामेंट कैन नॉट रिड्यूस अ टैक्स, दिस इज अगेन रॉन्ग, मैंने जैसे बताया कि रिड्यूस हो सकती है, लेकिन रिड्यूस हो सकती है, अबॉलिश भी हो सकती है, लेकिन बढ़ाई नहीं जा सकती, अबॉलिश हो सकता है, कैन नॉट इंक्रीज एंड कैन रिड्यूस, तो 3 or 4 or 5 करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? 74th क्वेश्चन क्या है, फाइनेंस कमीशन के रिस्पेक्ट में कुछ आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो टू एक्ट एज अ बैलेंसिंग व्हील ऑफ इंडियन फिस्कल फेडरलिज्म, ये चीज करेक्ट है आपकी, चेयरमैन और तीन अदर मेंबर होता है, ये चेयरमैन और तीन अदर मेंबर नहीं होते, इसमें चार मेंबर होते हैं चेयरमैन के अलावा, ठीक है ना, और इनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ये रीअपॉइंटमेंट हो सकती है, ठीक है ना, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तीसरा करेक्ट है, पहला करेक्ट है, चौथा क्या है, 280 का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 280, इसके अंदर, इसके प्रावधानों के अंदर जो है फाइनेंस कमीशन गठित किया जाता है, तो चौथा भी करेक्ट है आपका, फर्स्ट थर्ड फोर्थ करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? 75th क्वेश्चन देखते हैं, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन बेंच इन इंडियन जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है ना, इस पर गौर कीजिए, इसमें कम से कम 5 जजेस होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, ठीक है, ये चीज़ का आपकी सही है, कम से कम 5 जजेस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो पीठ होगी इसकी, ठीक है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या करता है, कोई भी इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन का कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है उसको आपको डिस्कशन करना है, ठीक है, उस पर कुछ क्वेश्चन है तो उसको डिस्कस करती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, जैसे कि आपका केशव भारती केस था, मिनर्वा मिल केस था, ये सब केस हुआ, ठीक है ना, और सेटिंग अप ऑफ दीज बेंचेस जो है दिस इज मैंडेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि जो है ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने डिलीवर किया था, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, और ये 5 मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, ठीक है, और इसके चीफ जस्टिस कौन थे, मतलब हेड कौन थे इसके, दिस वॉज हेडेड बाय जो अभी के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है विच इज रंजन गोगोई, ठीक है, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी। इज दिस क्लियर? 76th, इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, देखिए फॉर्म ऑफ ओथ एंड सीक्रेसी जो है फॉर द प्राइम मिनिस्टर ये डिफरेंट है फ्रॉम द अदर मिनिस्टर, दिस इज रॉन्ग, ये पूरा मतलब इट इज सिमिलर टू द अदर मिनिस्टर्स, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, रेजिग्नेशन इनकमेंट प्राइम मिनिस्टर का ऑटोमेटिकली जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व कर देता है, दिस इज सी ही स्टैंड्स एट द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर के बिना जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी फंक्शन नहीं कर सकती है, तो अगर प्राइम मिनिस्टर आपके रिजाइन करता है या फिर इनकी मृत्यु हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है पूरी डिसॉल्व हो जाएगी,
है, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है आपका। रेजिग्नेशन ऑफ अदर यूनियन मिनिस्टर जो है सिर्फ वैकेंसी क्रिएट करता है, जिसके किसी और मिनिस्टर से फिल करना है। तो तीसरा स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इज दिस क्लियर? 77th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछ रहा है। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू रूल 377 ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है। तो पहला क्या है, नोटिस नीड्स टू बी गिवन बिफोर 10 AM ऑन द डे ऑफ द सिटिंग। ठीक है, ठीक है, तो 10 AM के पहले आपको डेट जो आपकी सिटिंग है, तो नोटिस जो है देखिए, कोई भी अगर यहाँ पे नोटिस होगा तो दैट विल बी गिवन बिफोर 10 AM ऑन द डे ऑफ द सिटिंग, दिस इज करेक्ट। टेक्स्ट जो है नोटिस का वो 250 वर्ड से ज्यादा नहीं हो सकता, ये भी करेक्ट है। मैटर्स जो है पार्टी स्ट्रेंथ के बेसिस पे सिलेक्ट होती है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑल द स्टेटमेंट्स करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन सी। 78th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन जो है पोजिशन लोकसभा में, इसका स्टैट्यूटरी रिकग्निशन है, स्टैट्यूटरी मतलब ये एक कानून में जो है इसको दिया गया है, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, ये लीडर ऑफ अपोजिशन पार्लियामेंट्री सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन इन पार्लियामेंट एक्ट जो है 1977 का, उसके अंदर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन जो है इनको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। देर वॉज नो लीडर ऑफ अपोजिशन इन द ड्यूरिंग द 14th लोकसभा, ये चीज़ गलत है, लीडर ऑफ अपोजिशन आपके 14th लोकसभा में भी थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर जो है सेकंड स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है आपका। इसके बाद आपसे क्या पूछा आ रहा है, वाई आर चवन जो है ही वॉज द फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन आफ्टर स्टैचुटरी स्टेटस टू द पोस्ट वॉज ग्रांटेड, तो ये चीज़ आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आंसर क्या करेक्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, विच इज 1 and 3। 79th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है विद रेफरेंस टू कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे कमिटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल एंड रेजोल्यूशन जो है लोकसभा का, ये क्लासिफाई करता है, एलोकेट करता है टाइम टू बिल इंट्रोड्यूस बाय द प्राइवेट मेंबर्स, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, ये कमिटी जो है, ये वाली कमिटी, ये एलोकेट करती है और क्लासिफाई करेगी बिल्स को। ठीक है ना, टाइम को। राज्यसभा जो है इसमें ऐसी कोई कमिटी नहीं होती, दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, राज्यसभा में ऐसी कोई कमिटी नहीं होती। ठीक है, और ये स्पेशल कमिटी है किसकी, लोकसभा की, इसमें 15 मेंबर होते हैं। ठीक है, और जो स्पीकर है ये चेयर करते हैं इसकी कमिटी को, नहीं स्पीकर नहीं चेयर करते हैं, इसको चेयर करते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, तो ये चीज आपकी थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला और दूसरा करेक्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब 80th क्वेश्चन देखते हैं। 80th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में, नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, तो नेशनल फ्लैग जो है यूज ड्यूरिंग द होम रूल मूवमेंट ऑफ 1917, इसमें यूनियन जैक सिंबल था, तो दिस इज करेक्ट। ठीक है ना, इसके पहले जो है 1917 में जो यूनियन जैक का सिंबल था, इसमें 1931 में रेजोल्यूशन वॉज पास फॉर अडॉप्टिंग अ ट्राइकलर फ्लैग एज अ नेशनल फ्लैग, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है ना, और नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ऑन आपका 24 जनवरी 1950। ये चीज़ आपकी गलत है, 1947 में हुआ था, विच इज 22nd जुलाई। ठीक है, तो ये चीज़ थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, विच इज फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स ओनली आर करेक्ट। तो दीज आर फैक्ट्स, यूनियन जैक सिंबल जो है आपका 1917 में यूज किया गया था, नेशनल फ्लैग में जो ट्राइकलर है वो 1931 में आया। ठीक है ना, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स। ठीक है, 81st क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 81st क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद रेफरेंस टू द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, किसका, इंडियन हाई कोर्ट्स का। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है इसमें। ठीक है, तो करेक्ट स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं एक बार। हाई कोर्ट कैन रिव्यू द लॉज एनएक्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स ओनली एंड नॉट द वंस एनएक्टेड बाय पार्लियामेंट, ये चीज गलत है। जो हाई कोर्ट है आपके स्टेट लॉज एज वेल एज जो पार्लियामेंट के लॉज हैं उन दोनों को रिव्यू कर सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, हाई कोर्ट टू कैन इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन वाइल रिव्यूइंग एनी लॉ और ऑर्डर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे कोई कुल पास है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट ओनली इज करेक्ट, तो आंसर क्या हो जाएगा, टू ओनली, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग 82nd क्वेश्चन, ये किसके रिस्पेक्ट में, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। ठीक है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, आर्टिकल 262 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है एडजुडिकेशन के लिए प्रोवाइड करता है फॉर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, दिस इज करेक्ट। इंटर सेकंड फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है पावर करता है सुप्रीम कोर्ट को टू सेट अप एन एडहॉक ट्रिब्यूनल फॉर व्हाट, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर स्टेट्स। यहाँ पे ये चीज गलत है, दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दिया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा, नाइदर सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट विल हैव ज्यूरिसडिक्शन, तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे ज्यूरिसडिक्शन इन दोनों का नहीं होगा, किसी भी कोर्ट का नहीं होगा। ठीक है, जो आपकी ट्राइब्यूनल है उसी का डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, और ये बाइंडिंग भी होता है सारे पार्टीज पे। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट, आंसर क्या होगा, डी। ठीक है,
ओनली द डी ऑप्शन, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। 83rd क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेट, ये किसके रिस्पेक्ट में, इंटर स्टेट काउंसिल आर्टिकल 263 इसके बारे में देता है, दिस इज करेक्ट, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। काउंसिल जो है इट कैन डील विद एनी कंट्रोवर्सी वेदर लीगल और नॉन लीगल, लेकिन इसका फंक्शन सिर्फ एडवाइजरी होता है, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आपके आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस। 84th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 84th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट वाज नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट, स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में कौन सा सब्जेक्ट को ट्रांसफर नहीं किया गया था अंडर योर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो देखिए एजुकेशन को ट्रांसफर किया था, फॉरेस्ट को ट्रांसफर किया था, वेट्स ऑन मेजर्स, वेट्स एंड मेजर्स जो है ये भी ट्रांसफर किया गया था, लेकिन टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम जो है इसको ट्रांसफर नहीं किया गया था। जस्ट रिमेंबर दिस, कौन कौन से ट्रांसफर हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये 84th क्वेश्चन था आपका, आंसर विल बी ऑप्शन डी। 85th क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू मेक लॉस, ठीक है, ऑन एनी मैटर एन्यूमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट अंडर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। तो ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है पार्लियामेंट को पावर देता है इस चीज का, ठीक है। दिस प्रोविजन डज नॉट रेस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक लॉस ऑन द सेम मैटर, ये भी चीज सही है, ठीक है, कि स्टेट भी लेजिस्लेचर भी उस मैटर पे बना सकता है स्टेट लिस्ट वाली, ठीक है। ऑफ कंसिस्टेंसी बिटवीन स्टेट लॉ प्रिवेल करेगा, ये चीज गलत है आपकी, पार्लियामेंट्री लॉ जो होती है ये प्रिवेल करेगी ओवर योर स्टेट लॉ। तो थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 86th क्वेश्चन देखते हैं यहां पे, 86th क्वेश्चन, ठीक है, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर जो है इसको अपॉइंट करना पड़ेगा लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एज अ चीफ मिनिस्टर, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं देखता है फॉर सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, इज दिस क्लियर। तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया ये चीज, ठीक है, इज दिस क्लियर। तो ये दिया गया है ओनली बाय द कन्वेंशन, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दिया गया। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये मेंशन किया गया अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये पार्लियामेंट्री कन्वेंशन के तहत होता है कि गवर्नर जो है आपके मेजोरिटी पार्टी के जो लीडर होते हैं उसको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। दूसरा क्या है, गवर्नर मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल डिस्क्रिप्शन सिलेक्शन एंड अपॉइंट ऑफ चीफ मिनिस्टर व्हेन नो पार्टी हैज अ क्लियर मेजोरिटी, तो ये चीज सही है, गवर्नर के पास यहाँ पे पर्सनल डिस्क्रिप्शन होता है। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी विच इज टू ओनली, ठीक है। 87th क्वेश्चन क्या है, 87th में अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रेजेंट डीलिमिटेशन जो होती है पार्लियामेंट्री और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज की 1971 सेंसस बेस्ड है, दिस इज करेक्ट। नंबर ऑफ सीट रिजर्व फॉर एस सी एंड एस टी जो है लोकसभा में इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है ना। 2001 के सेंसस के बेसिस पे है एस सी एस टी की जो सीट रिजर्व है, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज बोथ वन एंड टू, ठीक है। 88th क्वेश्चन देखते हैं, 88th क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू कैग करेक्ट, ठीक है। कैग के रिस्पेक्ट में कौन सा, कैग मतलब क्या हो गया आपके कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल ओनली टू द पार्लियामेंट, दिस इज करेक्ट। सर्टिफाइज नेट प्रोसीड्स ऑफ एनी टैक्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। कंपाइल्स एंड मेंटेन्स अकाउंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इज दिस क्लियर। 89th क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एंटी डंपिंग ड्यूटी, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है यहाँ पे। एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ होती है जो बाय डोमेस्टिक गवर्नमेंट इम्पोजेज ऑन फॉरेन गुड्स, ठीक है। डंपिंग आपको पता होगा, जस्ट गो एंड रिवाइज, ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। दिस यू शुड बी फेमिलियर विद सेकेंड स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका, इट इज इम्पोज ऑन बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स, ये चीज भी आपकी सही है, ठीक है। सॉरी, बोथ एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स पर नहीं, ये इम्पोर्ट्स पे होता है, ठीक है ना, इम्पोर्ट पे लगाया जाता है, नॉट बाय नॉट ऑन एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो ये चीज आपकी गलत हो गई, ठीक है। तीसरा क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है इंडिया में दैट रिकमेंड्स योर एंटी डंपिंग ड्यूटी, और इसको इंप्लीमेंट कौन करेगा, इंप्लीमेंट करती है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये चीज़ याद रखिएगा। जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स होती है वो इसको रिकमेंड करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इसको इम्पोज करती है, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिकमेंड की बात की जा रही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। 90th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 90th में क्या पूछ रहा है, दिस इज विद रेफरेंस टू नोटा, ठीक है, नन ऑफ दी अबव ऑप्शन जो होता है आपके इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं आपसे, ठीक है ना। तो नोटा जो है इंडिया में 2009 में सबसे पहली बार यूज किया था, दिस इज करेक्ट। छत्तीसगढ़ सबसे पहला स्टेट था इसके लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ वाज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू गिव दिस राइट टू द वोटर्स इन लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन, तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपके करेक्ट हैं। तीसरा क्या, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री जो जिसने ये चीज इम्पोज की है, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। इसके अलावा और भी काफी कंट्रीज हैं जैसे ब्राजील हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिनलैंड, इन्होंने भी नोटा वोट जो है अलाउ किया अपने वोटर्स के लिए, तो दिस इज रॉन्ग, फर्स्ट कंट्री नहीं है इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ओनली वन एंड टू आर करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर।
91st क्वेश्चन देखते हैं, यूनियन ऑफ इंडिया एंड अनदर वर्सेस राजा मोहम्मद अमीर मोहम्मद खान इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसके रिस्पेक्ट में है। तो दिस केस ये जो केस है आपका, ठीक है, ये जो मेंशन है यहाँ पे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस दिस राजा वाला केस जो है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू एनिमी प्रॉपर्टी। ठीक है, एनिमी प्रॉपर्टी आपका रिसेंटली न्यूज में था इन 2018, ठीक है ना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट, इसमें भी अमेंडमेंट लाया गया था इसमें। तो दिस इज रिस्पेक्ट टू दिस एक्ट एनिमी प्रॉपर्टी, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इज दिस क्लियर। 92 देखते हैं हम लोग, 92nd क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वोट ऑन अकाउंट, ठीक है ना। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, अगेन करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है आपसे। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट जो है अप्टेन करती है वोट्स फ्रॉम पार्लियामेंट टू ड्रॉ मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वोट ऑन अकाउंट जो है ये रिडंडेंट हो जाता है अगर बजट पास हो जाता है वेल बिफोर मार्च 31। दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो वोट ऑन अकाउंट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इन योर टेस्ट 26, तो काइंडली रिवाइज इट फ्रॉम देयर। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा सी, बोथ 1 एंड 2। 93rd क्वेश्चन देखते हैं आपका, 93rd क्वेश्चन क्या है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है। तो ये चीज ध्यान दीजिए, दे कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग सेशन ऑफ पार्लियामेंट एंड 40 डेज बिफोर बिगिनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ अ सेशन। दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, ये प्रिविलेज होती है पार्लियामेंट की, ठीक है ना। दिस अप्लाइज टू बोथ सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, दिस इज रॉन्ग, ओनली सिविल केसेस में अप्लाई होता है, क्रिमिनल केसेस में अप्लाई नहीं होगा। क्रिमिनल या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस में दोनों जगह पे अप्लाई नहीं होगा, ओनली इन सिविल केसेस अप्लाई होगी ये चीज। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इज रॉन्ग। तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम लोग, नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी विच इज 1 एंड 3 ओनली। इज दिस करेक्ट, ठीक है। 94th क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट है ये किससे एसोसिएटेड है, ब्रिटिश पार्लियामेंट से। दिस इज करेक्ट, ठीक है, ब्रिटिश ऑफ पार्लियामेंट से हमारी सॉवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट आई है, ठीक है ना। इज इज क्लियर। वैसे इंडिया में सॉवरेनिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, सॉवरेनिटी पार्लियामेंट नहीं है, लेकिन जो डॉक्ट्रिन है इसका दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट। पार्लियामेंट्री लॉज जो है दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड बाय जुडिशरी एज बीइंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, इंडिया में ऐसा नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है, द इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सॉवरन बॉडी, दिस इज करेक्ट। इंडियन का जैसे मैंने पहले बताया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सॉवरन है, ना कि पार्लियामेंट आपकी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी विच इज 1 एंड 3 ओनली। 95th सवाल देखते हैं, 95th सवाल क्या है, विद रेफरेंस टू बिजनेस एडवाइजरी कमिटी है, ठीक है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी के रिस्पेक्ट हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट देखते हैं, एलोकेट्स टाइम फॉर ट्रांजैक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव एंड अदर बिजनेसेस, ये चीज करेक्ट है आपकी। लोकसभा जो है, लोकसभा 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग स्पीकर एज इट्स चेयरमैन, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट। देर इज नो सच कमिटी इन द राज्यसभा, ये चीज रॉन्ग है, ठीक है। राज्यसभा में ये वाली कमेटी है आपकी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यहाँ पे 11 मेंबर होते हैं जिसमें आपके चेयरमैन जो होंगे वो भी इंक्लूडेड होते हैं, तो 11 मेंबर इंक्लूडिंग योर चेयरमैन। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, आंसर विल बी ऑप्शन ए विच इज 1 एंड 2 ओनली। 96th क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट किसके रिस्पेक्ट में कम्युनल अवार्ड 1932 का था, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा आ रहा है, तो अवार्ड कॉन्स्टिट्यूटेड सेपरेट कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट एज वेल एज एक्सटेंडेड टू डिप्रेस क्लासेस, ये चीज करेक्ट है आपको, ठीक है। पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। गांधी जी अंडरटुक फास्ट टू डेथ येरवाड़ा जेल में पूना में टू गेट द अवार्ड मॉडिफाइड, ये चीज भी सही है, ये यही पूना पैक्ट है आपका अंबेडकर और गांधी जी के बीच में, ठीक है। तीसरा क्या है, विंस्टन चर्चिल जो है प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के, जिन्होंने डिक्लेयर किया था कम्युनल अवार्ड, ठीक है। विंस्टन चर्चिल वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, ये चीज गलत है, विंस्टन चर्चिल उस समय प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वहां पे, ठीक है ना। तो दिस इज रॉन्ग, जस्ट रिमेंबर दिस, उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राम सिंह मैकडोनल्ड, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना। ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा एंड ये आपके लक्ष्मीकांत में दिया होगा इंडियन पॉलिटी में। तो राम सिंह मैकडोनल्ड वाज़ द प्राइम मिनिस्टर, नॉट विंस्टन चर्चिल। थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, आंसर विल बी ऑप्शन ए। इज दिस क्लियर। 97 सवाल देखते हैं, अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू पी के थंगन कमेटी के रिस्पेक्ट पूछा रहा है, ठीक है ना। जस्ट रिमेंबर दिस। तो इट वॉज मैंडेटेड टू एग्जामिन द पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, कहाँ पे, इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, दिस इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी, ठीक है, ये किसकी है, ये सब कमेटी है, कंसल्टेटिव कमेटी ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, 1988 में गठित की गई थी। रिकमेंड किया था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए जिला परिषद के, दिस इज करेक्ट। पी के थंगन वॉज ऑल्सो द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट, ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश के। तो ये चीज भी आपकी करेक्ट है, तीनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन सी विच इज 1, 2, 3, ठीक है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 98 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, 98 क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। इन एडिशन द एक्ट हैज आल्सो एडेड 11th शेड्यूल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज करेक्ट। एक्ट ने प्रैक्टिकल शेप दिया है आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 40 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसको इफेक्ट दिया है, ठीक है, ये चीज भी करेक्ट है। आर्टिकल 40 किसके लिए प्रोवाइड करता है, विलेज पंचायत के लिए। आर्टिकल 40 किस में आता है, डीपीएसपी, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी।
थर्ड स्टेटमेंट क्या, एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ फॉर ओबीसी, ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है ऐसा, ठीक है, रिजर्वेशन किसके लिए, एससी एसटी एंड वुमेन के लिए, ठीक है, तो एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, थर्ड इज रॉन्ग, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, इज दिस क्लियर। 99th क्वेश्चन देखते हैं, 99th क्वेश्चन किसके रिस्पेक्ट में है, यहाँ पे देखिए एक चीज गौर कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट रूल, फॉल्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है, सबसे पहले इस चीज पे गौर किया कीजिए व्हेनेवर यू रीड अ क्वेश्चन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखते हैं, इट इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 355 ऑफ द यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट रूल, ये चीज गलत है, कौन सा आर्टिकल में दिया है, 356, ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, इसका प्रोक्लेमेशन प्रेजेंट रूल का जो होता है बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टेंडर्ड बाय टेंडर्ड अंडर आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे जो आर्टिकल होगा ये आर्टिकल 74 होगा ना कि आर्टिकल 75, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, आर्टिकल 356 होगा, इट हैज बीन अप्लाइड फॉर द फर्स्ट टाइम इन महाराष्ट्र इन नवंबर 2019, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, प्रेजेंट रूल आपका काफी बार लग चुका है, ठीक है, तो महाराष्ट्र में भी पहले लगा हुआ है ये, महाराष्ट्र में अभी जो प्रेजेंट रूल लगा था जब वहाँ पे हंग पार्लियामेंट हंग स्टेट लेजिस्लेचर थी, है ना, यानी कि किसी भी पार्टी की कंप्लीट मेजोरिटी नहीं थी, ठीक है, जो अभी चल रहा है ऑनगोइंग केस, ठीक है ना, तो अभी उद्धव ठाकरे यहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग हैं आपके, ठीक है ना, तीसरी बार लग रहा है महाराष्ट्र में प्रेजेंट रूल, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, 100th क्वेश्चन आ गया आपका, 100th क्वेश्चन देखते हैं, ये किसके रिस्पेक्ट में है, दिस इज विद रिस्पेक्ट टू, देखते हैं इस स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, आर्टिकल 102 जो है लेज डाउन कंडीशन फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो दिस इज करेक्ट, ठीक है ना, आर्टिकल 102 में आपके डिस्क्वालिफिकेशन के जो क्राइटेरिया है वो दिए गए हैं फॉर एमपीज, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, इट लेज डाउन सर्टन डिस्क्वालिफिकेशन, ये इसमें भी दिया गया है, ठीक है, नो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैज एवर बीन डिस्क्वालिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एंटी डिफेक्शन, दिस इज रॉन्ग, ठीक है, एंटी डिफेक्शन के तो बेसिस पे यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो है डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं पहले भी, तो दिस इज रॉन्ग, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट एंड टू वन एंड टू आर करेक्ट, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पे, ऑप्शन ए, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है, इसके बाद 101st क्वेश्चन देखते हैं, 101st क्वेश्चन क्या है, विच विद रेफरेंस टू राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो होता है इसके रिस्पेक्ट में कुछ स्टेटमेंट दिया है, यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी फी फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू फी, तो ये जो है देखिए ये प्रोविजन जो है सिर्फ टैक्स पे टैक्स को रोकता है कि टैक्स नहीं लेवी की जा सकती है, लेकिन फी को नहीं रोक सकता है, फी लगाई जा सकती है फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन, ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, यहाँ पे सिर्फ टैक्स पे प्रोविजन है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फीस पे नहीं, फी लगाई जा सकती है, दूसरा क्या है, रिलीजियस डिनोमिनेशन हैव द राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, ये चीज आपकी करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट टू प्रोफेस रिलीजन इज अवेलेबल टू सिटीजन ओनली, ये चीज गलत है, आपकी फॉरनर्स को भी अवेलेबल है ये चीज, तो आपका फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, आंसर विल बी ऑप्शन बी, जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है ना, करंट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा रहा है, क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज फॉर एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ यूनियन इंडिया, ये चीज आपकी करेक्ट है, एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट्स हो सकता है, ठीक है ना, इसके बाद क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू इंक्रीज और डिक्रीज, ये नहीं, ये गलत है, हम पहले भी देख चुके हैं, यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दी गई है ना कि आपके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी, इंडस वाटर ट्रीटी के रिस्पेक्ट में आप कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, ईस्टर्न रिवर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ईस्टर्न रिवर्स का मतलब है सतलज ब्यास रवि, ये चीज करेक्ट है आपकी, और जो वेस्टर्न रिवर्स है उसका मतलब क्या हो गया, इंडस झेलम और चिनाब, ये चीज भी आपकी करेक्ट है, ट्रीटी जो है साइन की गई थी बाई जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद अली जिना, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे मोहम्मद अली जिना नहीं था, ठीक है, दिस वॉज बिटवीन जवाहरलाल नेहरू ऑफ इंडिया एंड यहाँ पे था मोहम्मद अयूब खान, ठीक है, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, द थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये मोहम्मद अयूब खान था, याद रखिएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट, तो आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, 104th क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज फॉर्म फर्स्ट, सबसे पहले कौन सा स्टेट फॉर्म किया गया था, तो उत्तराखंड छत्तीसगढ़ झारखंड, तो ठीक है, तो ये देखिए तीनों स्टेट जो है, उत्तराखंड जो है आपके कब फॉर्म हुआ था, दिस वॉज ऑन 9 नवंबर 2000 में, छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 में, झारखंड जो है आपका ये हुआ था 15 नवंबर को, और तेलंगाना तो रिसेंट है 2014 में, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, छत्तीसगढ़ जो है सबसे पहले फॉर्म हुआ था, तो ये डेट्स में थोड़ा सा वो किया इन्होंने, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी, विच इज छत्तीसगढ़, जस्ट रिमेंबर दिस, 105वां सवाल देख लेते हैं, 105वां सवाल क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफरेंस टू दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, ठीक है, यहाँ पे अगेन आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, तो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 बाय जवाहरलाल नेहरू टू प्रोपगेट हिंदी इन साउथ इंडिया,
ठीक है, ये 1918 में किया गया था बाय गांधी एंड नॉट बाय नेहरू, ठीक है, 1918 में हुआ था बाय गांधी, जस्ट रिमेंबर दिस, ये फैक्ट है आपका। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा, इनका एम क्या था, हिंदी को सदर्न स्टेट में प्रमोट करना। फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, 1918 में हुआ था गांधी द्वारा। सेकंड क्या है, फर्स्ट प्रचारक जो था देवदास गांधी, ये कौन था, देवदास गांधी कौन है, ये महात्मा गांधी का बेटा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सॉरी सेकंड स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज टू ओनली। ठीक है, तो विद दिस हमने अपना जो टेस्ट 27 है इसको फिनिश कर लिया है, आगे और भी टेस्ट देखेंगे हम लोग। दैट वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर।